अस्सलाम वालेकुम कनक सर्विस में आप तमाम लोगों को फिर से एक बार खुश आमदीद। आज मैं आपको बताता चलूँ, हमारा फ़र्स्ट डे है और आज ही जो है हम अपना फ़र्स्ट उमरा करने जा रहे हैं। तो पहले हम तमाम चीज़ें अदा कर लेते हैं वाजबी के साथ, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी बहुत ज़्यारतें करवा दूँगा और जो भी सिनेरियोज़ होंगे वो फिर डिस्कशन होंगी और वीडियो भी जो शूट होगा उसमें चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या है। अभी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मस्जिद आयशा जाने का इरादा और अभी हम अपने होटल के रूम में हैं। ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत विज़िट करवा दूँगा कल या परसों के डे में। ये जो है हमारा फ़र्स्ट डे है। अभी जिससे पहले आपको वीडियो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ जहाज़ की थी जो भी थी और जर्नीज़ की थी। अब जो है डे वन हमारा स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम आप देख सकते हैं हम तैयार हूँ, मैं बिल्कुल रूम के फ्रंट पे ही खड़ा हुआ हूँ। अब बस हम निकलने की अपनी तैयारी करो, इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में हम निकलते हैं और फिर टाइम मिला तो फिर बस की भी वीडियो आपसे शेयर करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सारे ब्लॉग्स आपसे जो शेयर होंगे वो 7 से 8 सितंबर से शुरू होना शुरू होंगे। तो बाकी तमाम चीज़ों को मैं दुआओं में रखूँगा। उसके बाद जब ऐसे ही हम अपना ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो फेसबुक पे तो साथ साथ पोस्ट कर ही दूँगा, उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ये अब जो है हम एयरपोर्ट से आ चुके थे जब होटल, अब हम होटल से बैठ रहे हैं गाड़ी में। यह वॉइस मैंने रिकॉर्ड की है, मतलब कि क्योंकि रास्ता समझाना है आप लोगों को इस वजह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रोड आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं, किस तरह इनकी स्केलिंग हुई हुई है। ये मैंने क्रॉप नहीं किया, ये मैंने ड्राइवर की सीट दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये ड्राइवर की सीट है, वहाँ से जो AC का ऑप्शन है, कंट्रोलिंग का ऑप्शन है, वो किस तरीके से आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे शेयर की जा रही हैं। और ये जो बस वाले हैं ये हमें छोड़ेंगे हरम पे, मतलब ये शटल सर्विस है, एनी टाइम आपको बस मिलती है और ये बस जो है आपको छोड़ेगी हरम पर, कबूतर चौक जो कि बेसिकली कहलाता है। उसके बाद हम जाएंगे अपना उमरा परफॉर्म करने और फिर जो है सारी चीज़ें होंगी। एंड सॉरी, जो मैंने बोला था मस्जिद आयशा जाएंगे, मुझे लगा था कि हर उम्र में मस्जिद आयशा जाना होता है, ऐसा नहीं है, हर उम्र में मस्जिद आयशा नहीं जाना होता। ये आप देख रहे हैं पूरी शटल सर्विस जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ें, दूसरे जो है ये सारे होटल की जो है बसेस गुजर रहे हैं। आपको चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी मेरे लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि मैं इस साइड बैठा हूँ, मेरा लेफ़्ट है। अब जो है आप ये देख सकते हैं ये इन्होंने पार्किंग पे डाली है। और जो असल चीज़ आप देखें, तमीज़ और तहजीब देखें कि इस मुल्क में कितनी है, जो कि एक मैं कंपैरेटिव वीडियो बनाऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंपैरिजन कभी किसी का किसी से होता नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें पाकिस्तान में अच्छी हैं वहाँ नहीं और क्या चीज़ें यहाँ अच्छी हैं वहाँ नहीं, सब चीज़ें बताऊँगा। और ये जो है हमें बस वाले जो हैं ये रोक देंगे, शटल सर्विस जो कि यही होती है, क्योंकि अंदर तो अलाउ है ही नहीं है। जो भी अपने लोग भी हों, जितने बड़े भी हों, खुदा के नज़दीक कोई बड़ा नहीं है, सब इक्वल हैं, सब पैदल जाएंगे। अब ये देखें बस हमारी रुक गई है, आपको होटल में नज़र आ रहा होगा बस पर। हम अपनी होटल की गाड़ी पर बैठ सकते हैं, अगर दूसरे होटल वाले आपको पहुँचाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ जो है इस तरीके से चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उमरा हो चुका है और ये तमाम लोग जो हैं वो सही के लिए जा रहे हैं, ये आने वाले लोग जो हैं ये भी सही के लिए जा रहे हैं और अब हम भी जो हैं वो सही के लिए जाएंगे। तो चलें हमें ज्वाइन करते हैं। ये मैं आपको ऊपर का लुक दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी जो है जा रहे हैं सही के लिए और हम भी जो हैं वो सही के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे चक्कर हैं वो सफ़ा से मरवा, दैन मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा, इस तरीके से हम करेंगे। हमारा स्टार्ट जो है वो सफ़ा से और जो एंड जो है हमारा वो होगा हमारा मरवा।
एंड यू ऑल कैन सी ये लोग जो है असर की नमाज अदा कर रहे हैं और यहाँ असर की आठ रिकात जो हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। बट हम सही कर रहे थे और हमारी कुछ रिकात हो गई थी एंड अजान भी हो गई थी, तो हमने अपनी जो है नमाज़ें पढ़ ली थी। तो ये मौका हमारे हाथ से निकल गया कि हमने पेशे इमाम के पीछे नहीं पढ़ी, और ये मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, और ये हम अपनी पाँचवीं सही कर रहे हैं, मतलब अगेन जो है वो थर्ड टाइम है हमारा सफ़ा से मरवा की तरफ। सो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग तमाम जर्नीज को देख रहे हैं एंड कंसेक्यूटिवली व्यूज़ अगर होंगे तो ज़्यादा खुशी होगी, कि ऐसा नहीं कि बीच से देखा है। एंड आप अभी देख सकते हैं कि रश थोड़ा सा जो है वो कम है और मैंने थोड़ी अपनी स्पीड सेट की है, और यहाँ जो है घड़ी भी देख सकते हैं 4:10 जो है वो आपके पास हो रहे हैं, और हम अपनी जर्नी जो है इसी तरह बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक हमें फिर से बुलाए और आप लोगों को भी बुलाए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने हम तमाम कनेक्ट विद सरवियस की फ़ैमिली को दुआओं में याद रखा है, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की है, कश्मीर के लोगों के लिए दुआ की है, तमाम लोगों के लिए दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे 6 चक्कर जो है वो कंप्लीट हो गए, मतलब सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, फिर मरवा से सफ़ा हो चुका है। अब जो हमारा है वो दोबारा जो है सफ़ा स्टार्ट हो रहा है, सॉरी मैंने गलत सर प्लीज काउंटिंग बता दी है, लेकिन अब हमारा सफ़ा स्टार्ट हो रहा है, मतलब 7वां चक्कर और आखिरी चक्कर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी तरफ बस सब चलते हैं। अब यहाँ पर जो है और भी लोग आ रहे हैं, अब वो अपनी काउंटिंग इसको फुलफ़िल कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि होगा हमारा ख़त्म जो है वो सफ़ा पे ही, क्योंकि सफ़ा ख़त्म होगा तो फिर हमारी पूरी काउंटिंग जो है वो एंड हो जाएगी। एंड नाउ यू कैन सी ये जो ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं आगे तक, ये मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं आगे तक। यहाँ पर जो है आपको मतलब मर्द हज़रात को थोड़ा जो है वो तेज़ चलना हो रहा होता है, क्योंकि ये अहकाम है ना, और लेडीज़ जो हैं हमारी ख़वातीन जो हैं वो नॉर्मली स्पीड से चल सकती हैं। तो ये हमारा आखिरी चक्कर चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि आगे भी और भी चीज़ें हैं वो हम फॉलो करते हुए चलते हैं, और फिर देखते हैं कि कहाँ तक चीज़ें फुलफ़िल होते हैं बस। और बार बार मैं कह रहा हूँ कुछ भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी, ये मुकम्मल होगी, और ये मेरे लिए तो जस्ट बिगनिंग ही है। मैं हर साल आना चाहूँगा, और अल्लाह पाक आप लोगों की भी हाज़िरी हर साल लगवाए। मुकाम इब्राहिमी पे दो रिकात नफिल अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा और हमें जो है यहाँ पे ज़्यारत अदा फरमाई। अब जो है फिर हम अपने फ्लैट की तरफ करेंगे, और सॉरी फ्लैट कह रहा हूँ, होटल की तरफ चलेंगे, फिर वहाँ की फर्दर चीज़ें जो हैं आपसे शेयर करूँगा। ये हम खड़े हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, एंड यू ऑल कैन सी, वेरी जूम कर दिया मैंने, अब जो है वो और जूम भी कर दिया, और ये तकरीबन जो है 8.5 की उस पर चल रही है लेंस पे, आप देख सकते हैं खाना कहाँ है। और इस तरफ से भी मैं दिखा दूँ कि कितने ज़्यादा लोग हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आप सब को भी और हमें भी दोबारा काबा की ज़्यारत करवाए। और ये आई थिंक कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम इनका चल रहा है, और ये आप देख सकते हैं खाना कहाँ, और लोग मज़ीद आ ही रहे हैं, और सिर्फ आप रश चेक कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर देता हूँ फिर भी। एंड फाइनली ये वो स्टेप है जिसका सबको इंतज़ार था कि भाई सर लाजमी शेयर कीजिएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं जो क्लॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी एक बार नीचे का भी व्यू दिखा दे रहा हूँ, एंड यू ऑल कैन अगेन सी, ये मैंने बढ़ा के भी दिखा दिया कि कितने ज़्यादा लोग हैं। एंड बस हम अब हलक के लिए नीचे जा रहे हैं, उसके बाद हमारा तमाम प्रोसीजर जो है उम्रे की जो है और अहराम की पाबंदियाँ वो सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह।